देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 5 दिनों से कोरोना के मामलों में उछाल। केरल में आए कोरोना के मामलों में तेजी। लोग हैं कोरोना महामारी को लेकर लापरवाह। लगभग पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया में कोरोना महामारी कहर बनकर बरसती है, जिसके चलते लोगों की जिंदगी पूरी तरह रुक सी गई है। कोरोना के मामले को देखकर लगभग सभी देशों ने लॉकडाउन लगाया था। जब कोरोना के केस कम हुए तो सरकार अनलॉक हुई। लॉकडाउन में छूट के साथ लोगों में लापरवाही देखने को मिली है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई, लेकिन सरकार और डॉक्टर्स देश में कोरोना के तीसरी लहर का संकेत जता रहे हैं और दावा है कि अगस्त तक कोरोना के तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। लेकिन लोग बेपरवाह हैं, जिसके चलते देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें से 517 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 42,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। लेकिन चिंता की बात केरल राज्य में देखने को मिली है, जिसमें पिछले 5 दिन में एक्टिव केस में उछाल देखने को मिला है। शनिवार को 16,000 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, हालांकि 13,197 मरीज ठीक हुए और 114 लोगों की जान चली गई। केरल में लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं और अब तक 2,837 की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। अब कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सजग होना होगा, जब ही कोरोना की रफ्तार कम हो सकती है। लेकिन अनलॉक के बाद जैसे ही ढील मिली, लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह हो चुके हैं और आलम यह है कि देश में एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। डेस्क से शिल्पी मित्तल की रिपोर्ट।